अस्सलाम वालेकुम, हैशटैग अनीस है और आप देख रहे हैं एक यूट्यूबर अपनी स्क्रीन पे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं भी इस वीडियो को आंसर करने के लिए बेताब हूँ, उतना ही बेताब हूँ जितना कि आप अपने अपने क्वेश्चन छोड़कर आंसर की तलाश में बेताब हैं। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सारे पढ़े हैं, मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, लेकिन हमने उस क्वेश्चन की सिलेक्शन के लिए एक थर्ड पर्सन को चुना है। कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाने चाहिए और कौन से नहीं पूछे जाने चाहिए, ये थर्ड पर्सन ही सही से अंदाजा लगा सकता है। और यकीन माने वो थर्ड पर्सन मेरी एक दोस्त है और वो हमेशा से मेरी टांग खींचती रहती है। आपका चैलेंज ये है कि कुल्लूस उस्मान सेट की जो वीडियो बनाई है उसे अपलोड करें। ओके, सारी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है, आपके लिए ये वीडियो पेश। ये वो दरवाज़ा जिसको कुल्लू का इशार उस्मान ने दोबारा पता किया, ये वही सलाह है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट आई वॉच योर एवरी वीडियो। मैं चाहता हूँ कि आप बड़े यूट्यूबर बने। आपका इंडिया में पसंद का यूट्यूबर कौन सा है? आप चाहते हैं कि मैं बड़ा यूट्यूबर बनूँ? थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह बनेंगे। और इंडिया में मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूबर सारे ही हैं, जो भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं वही हैं, कोई एक फेवरेट नहीं है। मेरा चैलेंज ये है एमिनोनू के ब्रिज पर जाए और वहाँ खड़े होकर कहें सब्सक्राइब टू हैशटैग अनीस। ये वाला चैलेंज, ऐसे चैलेंज किया करें सब्सक्राइब टू हैशटैग अनीस बाय द वे। ओके, आपके चैलेंज लीजिए। मैं इस वक्त हूँ एमिनोनू के ब्रिज के ऊपर। सब्सक्राइब टू हैशटैग अनीस और प्लीज़ सब्सक्राइब टू हैशटैग अनीस, सब्सक्राइब टू हैशटैग अनीस एंड शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो और ऑल्सो कमेंट भी जरूर करें। चैलेंज डन, लेट्स गो टू द अनदर चैनल। अपनी फैमिली के बारे में बताएं और पाकिस्तान में किस किस सिटी को विजिट किया। फैमिली के बारे में, फैमिली छोटी सी फैमिली है और मुझे कुट पड़ती रहती है अक्सर। मेरे भाई यहाँ पे हैं और इतनी सी छोटी सी फैमिली है। और पाकिस्तान किस किस सिटी को विज़िट किया है उसके बारे में बता दूँ कि मैं कराची गया हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ और मरी वगैरह नहीं गया। लाहौर को मैंने अच्छे से विज़िट किया क्योंकि वो मैं वहीं पे रहता था, तो सारा लाहौर का बताया है, मतलब जो भी नज़दीक मुल्तान, ये सारी सिटीज़ मैंने घूमी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट आप टर्की में सुल्तान अहमद मौज का ब्लॉग बनाएँ और सुल्तान फातिह का मज़ार का भी। आपका चैलेंज मुझे कबूल है लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं आपको फातिह मौज दिखा सकता हूँ और अबू यूब अंसारी मौज दिखा सकता हूँ। आपके जो चैलेंज है उसको मैं फ्यूचर में एक पूरी वीडियो के साथ कंप्लीट कर दूँगा, बी इजी। अभी के लिए आपके चैलेंज को थोड़ा बहुत तो अहमियत दे ही देते हैं। Here is the mosque of Abu Ayyub Ansari. बहुत सारे व्लॉग में मैं दिखा चुका हूँ एंड Abu Ayyub Ansari का टॉम भी यहाँ पे। अगर आप पूरी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हैशटैग Abu Ayyub Ansari लिखें। According to challenge, I am in right now in Fatih Mosque, Istanbul Fatih. ये मेरे पीछे Fatih Mosque है और मैं 10 मिनट नमाज के लिए लेट हो गया हूँ आपकी वजह से। अभी मुझे नमाज कज़ा करके पढ़नी है, तो अभी मस्जिद के अंदर चलते हैं। अगर आप इसका ब्लॉग चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बारिश कर दें फातिह 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 हैशटैग फातिह। तो साथ में फातिह का टॉम भी है जिन्होंने इस्तांबुल को फतह किया था और उनके नाम पे ये मस्जिद बनी थी। अगर आप चाहते हैं पूरी डिटेल्स दूँ तो आप कमेंट में हैशटैग फातिह डालें। अभी नमाज पढ़नी है, लेट्स गो टू द इनसाइड मैन। फ्राम लुकमान सरोया, बाय द वे ये मेरी कहाँ से हैं जो भी लुकमान, हाय हाय लुकमान। सेंड टू वॉइस नोट इमरान अब्बास एंड से टू हिम इमरान मुझे एक वीडियो क्लिप भेजें, ठीक है। अगर वो माने तो आप कहें कि आपके साथ प्रैंक किया, नहीं चाहिए वीडियो। चैलेंज अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो ये पहला और आखिरी कमेंट होगा। नाइस धमकी वैसे, भाई साहब कह रहे हैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो ये आखिरी और पहला कमेंट होगा। वैसे कमेंट इनका पहला ही है, आखिरी भी हो सकता है। तो आपका चैलेंज कबूल है? ओके, मैं मैसेज करता हूँ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा था तो उसमें मुझे एक आपका क्लिप चाहिए। आप उसमें ये कह दें कि अनीस अच्छी वीडियोस बना रहा है एंड जो आपके साथ मैंने वीडियो बनाई थी उसकी थोड़ी तारीफ कर दें, ये मेरे लिए अच्छा होगा। थैंक यू इमरान भाई,
I'm waiting. मैसेज सेंड कर दिया, अब देखते हैं कब आए। लिटरली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे आंसर आ गया। 25 मिनट बाद आंसर आया और आई एम सो हैप्पी। इतना अच्छा आंसर, यकीन माने कि आई एम लिटरली आई एम सो हैप्पी। और इतने अच्छे लोगों के साथ मेरे कॉन्टेक्ट, आई एम सो हैप्पी। आपका चैलेंज का आंसर सुनेगा। अब ना तो यार, अभी मैं शूट से वापस आया हूँ और बहुत टफ शूट थी, और बहुत कई बहुत पुरानी दूर के इलाके में कर रहे थे, पहाड़ों में, चट्टानों में। तो मैं अभी कल आपको बना के भेज दूंगा, ठीक है? कल मुझे रिमाइंड करा देना एक दफा बस। कल वीडियो कॉल ने कहा अभी वो कहीं से शूट करके आए हैं, तो थके हुए हैं। नाइस यार, थैंक यू इमरान भाई, शुक्रिया। आप रेस्ट करें। और मुझे एक्चुअली ये वीडियो के लिए नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी। ये एक्चुअली एक रिक्वायर थी कि मैं आपसे आपके साथ प्रैंक करूं, तो आपके साथ प्रैंक किया मैंने, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड थैंक यू सो मच इमरान भाई, लव यू। यार सच्ची में आप लोग बहुत, यार मतलब क्यों आप कुछ और कह देते, डायरेक्ट कॉल का कह देते या कुछ और कह देते। ये बाद में प्रैंक वाली स्टोरी मुझे पसंद नहीं आई, और उसके बाद आंसर जो भी होगा मैं आपको नहीं दिखाने वाला, ठीक है? या दिखा भी दूंगा, मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैसेज आया है राबिया अक्दस की तरफ से। ओए अनीस, तुम मेरे बारे में बताओ, मैं कौन हूँ? बाय द वे ये मेरी बहन है, मेरे ताया की बेटी है। एंड योर चैलेंज इज तुम डियर हार्ट का पीछा छोड़ दो। तुम्हारी किसी वीडियो में डी आर का टैग या जिक्र नहीं होना चाहिए, ओके? और जहाँ जहाँ वो है वहाँ वहाँ से रिमूव करो उसे। बाय द वे हमने तुम्हारे लिए एक अच्छी डी आर ढूंढ ली है, ओके? तुम्हारे पीले का टाइम आ गया, मतलब मेरे हाथ पीले करने का टाइम नज़दीक आ गया, ठीक है? नीस बाय द वे माय निकनेम। एंड चैलेंज तो बहुत टफ है, अगर चैलेंज है तो कर देते हैं, अभी मिटा देते हैं सब कुछ। वैसे हाथ पक्की में पीले कर रहे हैं ना यार, जिधर जिधर से है वहाँ वहाँ से मिटा दो। सबसे पहले इनसे मेरा गूगल अकाउंट, मेरे पासवर्ड, मेरा सब कुछ डी आर से कनेक्टेड था, मतलब मैं भूलना नहीं चाहता था सब कुछ। तो इस चैलेंज की वजह से ये सब कुछ भूल रहा हूँ, और वैसे भी मैं ये सब कुछ से तंग आ गया था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड मोर टू डी आर लिटरली। ओह आई एम सो हैप्पी, फील हैप्पी। ज़ैद कुरैशी पूछते हैं कि आप अपना टर्की वाला घर दिखाएं और आपने अम्मी अबू से भी मिलवाएं। अनफॉर्चुनेटली अम्मी अबू से तो नहीं मिलवा सकता, मुझे कोर्ट पर जानी है। मैं अपने घर के सबसे छोटे नन्हे मुन्ने से मिलवा सकता हूँ और अपने घर को भी दिखा सकता हूँ। तो आपके लिए ये रहा, तो ये रहा अपना होम का व्यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप पूरा ये देखना चाहते हैं तो हैशटैग लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ उस पर वीडियो। आप सिंपली आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ये जी घर 5 साल, इधर इधर इधर। अच्छा, घर के सबसे छोटे यही हैं। आप छोटे हैं ना सबसे घर, है ना? आपकी एज क्या है? 5 साल। आप इधर देख के कुछ लोगों को कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब टू हैशटैग अनीस। आपने पाकिस्तान कब जाना है? नेक्स्ट मंथ। अच्छा, असलम मैं क्यूट लग रहा हूँ कि आप क्यूट लग रहे हैं? सब्सक्राइब टू हैशटैग अनीस। यस। बाय द वे ऐसे चैलेंज पूछा करें ना, ये आसान होते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। अनीस भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि टेल मी अबाउट डियर हार्ट। अगर नहीं बताना तो चैलेंज ये रहा, वो पूरा करें, वो तो पूरा करेंगे ही चैलेंज, ओके? एक सॉन्ग सुनाएं तो अपना रिलेशन एक्सप्लेन करें, भले ही एक लाइन में, प्लीज सिंग अ सॉन्ग। वैसे ये चीज़ अच्छी है, फिर भी आई कैन ट्राई। नाइस क्वेश्चन भाई, सिंग अ सॉन्ग। ये आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग, ओके? टेक 17 एंड 3 2 1। कदी मैं सुकनी मुकदी फुलां विचों फुल सुकदे सुक जांदे, किसे कदर ना पाया प्यार दा, दिल टुटदे टुटदे टुट जांदे।
कोई मोल जगते रिश्तियां दा ए मुकदे मुकदे मुक जांदे कदे प्यार नी मुकदा दिलां विचों सा मुकदे मुकदे मुक जांदे फुल कमले च सुक जांदे ओ फुल कमले च सुक जांदे उतों जेड़े हसदे ने विचों रो रो मुक जांदे कोई सावी वग माया ओ कोई सावी वग माया मेरे नाल यार खफा मैं जिंदगी तो तंग माया ओ मेरे नाल यार खफा मैं जिंदगी तो तंग माया यस हमने कर दिखाया तो ये चैलेंज बहुत ही हार्ड था अभी के लिए मुझे वॉशरूम से निकलना है नेक्स्ट क्वेश्चन और चैलेंज गाजी स्क्वाड लिखते हैं चैलेंज दूध में दही डालकर पानी और नमक चीनी मिक्स ठीक और हाँ थोड़ा सा काली मिर्च ओके आपका चैलेंज ये रहा ये कुछ ऐसा दिखता है और आपने बताया ही नहीं कि पीना है वेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आई कैन ट्राई इट बॉटल फ्लिपिंग एंड कैप ओपन विद फूड ना कर यार आई एम श्योर वुड यू डू इट या नीस माई ओके आई विल ट्राई देखते हैं कैसे होता है यार मुझे लगता है कि नहीं होगा ओके कम नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप क्या काम करते हैं व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम इन टर्की मैं बहुत सारे काम करता हूँ मेरे भाई यहाँ पे सर्जिकल का काम करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पाकिस्तान से इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे ला के सेल करते हैं और उसके अलावा बहुत सारे काम हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड और मैं कंपनी के साथ अटैच हूँ हम पेपर वर्क का काम करते हैं आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लेबल हैशटैग जाके चेक करें हैशटैग लेबल्स जाके चेक करें उस पे जो काम है वो सब करता हूँ मैं ओके तो ये थी अपनी वीडियो अगर किसी को पसंद आई ये वीडियो है ऐसे चैलेंजेस मजीद चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू हैशटैग अनीस एंड लाइक कमेंट शेयर द वीडियो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह अकबर रमजान मुबारक अगेन एंड अगेन इस बार वैसे डियर हार्ट नहीं लगाना तो क्या लगाना वो सोचते बाय बाय